लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था बेटे, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है, अगर लेवल रोड की बात करें तो एम जी के बराबर है, वेट डाउनवर्ड्स एंड आर अपवर्ड्स, हां या ना बोलो, यस सर, तो आर बराबर है एम जी, आर किसके बराबर है एम जी, तो एफ जो है वो डायरेक्ट बराबर हो गया म्यू आर, म्यू है यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ म्यू ऐसा जाएगा, लिमिटिंग की बात करेंगे तो म्यू एल, और काइनेटिक की बात करेंगे तो म्यू के, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है जी। तो ये बात थी फ्रिक्शन के बारे में। अब फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ और टॉपिक्स भी हम जनरली डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। आपको ये बताना है कि कोई एक ट्रेन में एक बॉक्स जो है रखा हुआ है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि बॉक्स जो है वो स्टेशनरी ही रहे, बॉक्स जो है वो स्टेशनरी ही रहे। इसका मीनिंग क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग। द मीनिंग इज, जैसे मान लो कि ये आपके पास ट्रेन है नीचे वाली और ये आपके पास बॉक्स है, अगर ये नॉर्मली चल रही है तो बॉक्स इसके साथ चल रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बॉक्स इसके साथ चल रहा है फ्रिक्शन की वजह से, इसकी वजह से, अगर इसकी हम स्पीड बढ़ाएं तब भी ये साथ चल रहा है, और स्पीड बढ़ा दें तब भी साथ चल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो तब साथ नहीं चला ना, तब स्लाइड हो गया पीछे की तरफ। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन की एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितना एक्सेलरेट करें कि बॉक्स उसके साथ चलता रहे, कितना एक्सेलरेट करें कि बॉक्स उसके, हाँ जी। अब देखो बॉक्स को साथ कौन चला रहा था, फ्रिक्शन, कौन चला रहा था फ्रिक्शन। इसका मतलब जो ये है, जो आपको फोर्स लगाना है वो फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन की वजह से जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन के बराबर। बेटा कोई एक ब्लॉक जिसका मास m है, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन a हो तो उसे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ma चाहिए ना, yes, उसे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए ma, और हमारे पास वो फोर्स कौन है फ्रिक्शन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए ma के बराबर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए f by m, तो f कितना म्यू आर डिवाइडेड बाय, हाँ जी। अब अगर ये मान लीजिए ट्रेन है और ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का mg नीचे की तरफ और रिएक्शन, तो r बराबर mg हुआ क्या नहीं बताओ, yes, r और mg बराबर हुए कि नहीं, yes, तो r बराबर क्या आ जाएगा बेटा mg बटा में m से m, yes, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया u g, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया u g, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन, अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो जो ब्लॉक है ट्रेन एक्सेलरेट हो रही होगी और ब्लॉक पीछे की तरफ स्किड करता रहेगा, ब्लॉक है पीछे की तरफ स्किड करता रहेगा, यानी स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो स्टेशनरी रहने के लिए ये कंडीशन है ए मैक्सिमम बराबर म्यू इंटू जी। अब कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन में म्यू दिया होगा, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये डिपेंड करेगा बेटे दो टाइप की सरफेस पर, जो दो टाइप की सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जैसे यहाँ पर एक तो ब्लॉक हो गया हमारा एक ट्रेन, तो दो सरफेस में एक ट्रेन का सरफेस हो गया और एक ब्लॉक का सरफेस हो गया, उनके बीच का म्यू गिवन होगा, उनके बीच का क्या गिवन होगा म्यू गिवन होगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है जी। तो म्यू ए मैक्सिमम बराबर म्यू जी, जी हमारे पास 9.8 होता है, जी कितना होता है, कोई दिक्कत। अब मान लो कि आपके पास म्यू दे रखा है 1.5, सपोज कर रहे हैं If mu 1.5 है और g को एक बार के लिए 10 ले लें, वैसे 9.8 होता है, ठीक, तो acceleration maximum कितना आ गया बेटे 1.5 into 10 यानी 15 meter per second square नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए acceleration, हाँ या ना बोलो, yes, इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को,
एक और क्वेश्चन इन्होंने आगे दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल 5.8, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 5.8। ए मास ऑफ 4 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक जो ब्लॉक है वो रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब प्लेन को धीरे धीरे हम 15 डिग्री तक उठा रहे हैं। विद द हॉरिजॉन्टल द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। 15 डिग्री पर पहुंचते ही जो मास है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इधर देखो बेटा, जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ऐसे बढ़ा है, आप क्या कर रहे हो, उसको इंक्लाइंड कर रहे हो धीरे धीरे। तो कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी ना जब ये मूव करने स्टार्ट हो जाएगा। ये एंगल इन्होंने 15 डिग्री दे रखा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है कितने डिग्री है, 15 डिग्री। ये कह रहे हैं कि बताओ, क्या पूछा इन्होंने, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा। क्या पूछा बेटे, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये 15 डिग्री के ऊपर हमने मान लिया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक हुई बात। 15 डिग्री पर पहुंचते ही जो ब्लॉक है वो चलना शुरू कर दिया, हाँ या ना बोलो। ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स ढूंढ रहे हैं पहले। सबसे पहला हमारा काम है ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस, क्योंकि अगर बॉडी में मोशन है तो इसका मतलब फोर्स है वहां पर, यहाँ हाँ या ना बोलो। तो इसके ऊपर एक तो लगेगा बेटे mg, क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक्टिंग डाउन मार्च। एक लगेगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन, एन बोल दो या आर, कई बार एन बोलते हैं कई बार आर बोलते हैं, चाहे आप एन बोलो आर बोलो आपकी मर्जी, ठीक है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब देखो ये तो mg है, ये एंगल भी आपके पास होगा 15 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 15 डिग्री। ये एंगल जो है और ये एंगल ही हमेशा बराबर होंगे, आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। लाइन वन को अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये वाली लाइन बन गई, और लाइन टू को अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये बन जाएगी। देखो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, और इस लाइन टू को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ वन और टू में जो एंगल है वो भी यहाँ वन और टू में एंगल होगा, हाँ या ना बोलो। यहाँ 15 डिग्री तो यहाँ 15 डिग्री, क्लियर है बेटा। अगर ये एम जी है और ये थीटा है तो क्या ये एम जी कोस थीटा होगा। एम जी एक वेक्टर है ना बेटे, और वेक्टर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं ना। आप अगर मान लो एक वेक्टर है ये, अगर थीटा एंगल बना रहा है किसी डायरेक्शन के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा। इसी प्रकार ये एम जी है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन के साथ, तो इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा में कोस थीटा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम जी इंटू कोस 15, और इसका 90 डिग्री एंगल बनाते हुए यानी इधर कौन होगा बेटे, mg sin 15। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, फ्रिक्शन किधर लग रहा है बॉडी पर, इधर उल्टी डायरेक्शन, हाँ या ना बोलो। अब जब तक ये फ्रिक्शन और mg sin 15 बराबर है, mg sin थीटा बराबर है, तब तक तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। और जैसे ही ये वाला कंपोनेंट इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो बॉडी चल पड़ेगी। इज दैट क्लियर और नॉट। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो f है वो इसके बराबर रहना चाहिए रेस्ट की कंडीशन में। F जो है उसके बराबर रहना चाहिए रेस्ट की कंडीशन में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना। कोफिशिएंट ऑफ इसका मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बराबर है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर है। जैसे ये वाला कंपोनेंट थोड़ा भी ज्यादा हो गया बॉडी इधर चल पड़ेगी, हाँ या ना बोलो। ओके, तो F मैक्सिमम बराबर है बेटा mg sin 15 डिग्री, हाँ या ना बोलो। ठीक है जी, F क्या होता है, म्यू एन या म्यू आर, हाँ या ना, बराबर mg sin 15 डिग्री। N बताओ किसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना बेटा। कैसे पता चला कि बराबर है, अगर बराबर ना हो, मान लो n ज्यादा हो गया इससे तो ये बॉडी इधर ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, अगर mg sin cos 15 ज्यादा हो गया इससे तो बॉडी इधर चल पड़ेगी। क्या बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से इधर या इधर चल रही है, नो। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हां या ना बोलो बेटा। बॉडी कब नहीं चलेगी, जब उस पर लगने वाला फोर्स या तो जीरो हो या सारे मिलाकर जीरो बन रहे हो, हाँ या ना। yes, तो ये दोनों मिलकर जीरो बन रहे हैं, तो ये ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, और
ये जो है इससे जैसे ही ज्यादा हुआ बॉडी इधर चल गई, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो आर एन किसके बराबर बेटा? एम जी कोस 15. तो म्यू इंटू एन की जगह एम जी कोस 15 बराबर एम जी साइन 15. एम जी से एम जी, तो म्यू बराबर साइन 15 डिवाइडेड बाय, तो म्यू बराबर टेंजेंट 15 डिग्री. म्यू बराबर टेंजेंट 15 डिग्री. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये हमारा आंसर आ गया. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए बेटा? टेंजेंट 15 डिग्री के बराबर होना चाहिए. कितना होना चाहिए? टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू 0.2 साफ. टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू कितना? 0.2 साफ. ठीक है. आप कई बार कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते. जैसे आप 0 डिग्री बता देंगे, 0 डिग्री बता देंगे, 30 डिग्री बता देंगे, 60 डिग्री बता देंगे, कई बार 15 डिग्री भी हम बता सकते हैं. 15 डिग्री बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन, जैसे टेंजेंट 15 है, टेंजेंट 15 को आप क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 45 लिख सकते हो, या 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको. किसका फार्मूला लगाना पड़ेगा? टेंजेंट ए माइनस बी का. फिर वो 30, 45 और 60 टर्म्स में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा. फिर आप वो वैल्यूज पुट कर देंगे. इससे ये भी बढ़िया है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, म्यू बराबर टेंजेंट 15. ये भी आपका राइट आंसर है, म्यू बराबर टेंजेंट 15. क्या है, समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा पॉसिबल है कर पाना, लेकिन कई बार कोई ऐसा एंगल दे देंगे जिस पर हम कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे. तो वहां में किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? टी रेशो टेबल की. किसकी जरूरत पड़ेगी? टी रेशो टेबल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उनकी टेबल चाहिए. अगर वो टेबल नहीं है तो हम उस आंसर को एज इट इज लिख सकते हैं, तो वो ठीक माना जाएगा. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके जी. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.8 हो गया बेटे. अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.9. कौन सा डिस्कस करेंगे? 5.9. देखिए, समझ आ रहा है ना बेटे? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, अगर लगे तो बता देना. 5.9. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन डायग्राम. डायग्राम में एक ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम बताया हुआ है, उसका आपने एक्सेलरेशन निकालना है. इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है और इसमें टेंशन कितनी है ये भी बताना है. देखो बेटा, एक आपके पास रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर एक ट्रॉली है, ठीक है जी. और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, इस पुली से एक रस्सी बंधी हुई है और इस प्रकार से एक मास हैंगिंग है, यही है ना? मास कितना है? 3 किलोग्राम का. कितना मास है? 3 किलोग्राम. तो यहाँ पर नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा बेटे इसका? W 3 × 9.8 न्यूटन. Mg लगाते हैं ना? Yes, M है 3, G है 9.8, तो 3 × 9.8 W आ गया, यानी वेट आ गया बेटा. समझ आई कि नहीं आई बात? जितना इसका वेट होगा उतना ही रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं होगा? रस्सी में खिंचाव कितना होगा? जैसे मान लो ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ एक रस्सी बांध दिया आपने और मैं इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो टेंशन भी तो 5 न्यूटन का लगेगा ना. तो यहाँ पर वेट लग रहा है बेटे लगभग 30 न्यूटन. 30 से थोड़ा सा कम है ये, 9 × 27 और 1.4, 28.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ या ना बोलो? 28.4 न्यूटन ही टेंशन हो गया. और यही टेंशन इस ट्रॉली को भी खींचेगा. ये टेंशन ट्रॉली पर तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है. कोई दिक्कत? अब इस ट्रॉली को कौन रोक सकता है बेटे? फ्रिक्शन रोक सकता है. कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन एफ. ट्रॉली का वेट 20 kg, इसको 9.8 से गुणा करेंगे, वेट आ गया. इसका नॉर्मल रिएक्शन n बराबर कितना? इतना ही. हाँ या ना बोलो बेटा? ओके. अभी हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है. क्या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बताना. क्या बताना है आपको? और क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है 0.04. म्यू कितना दे रखा है? 0.04. किसके लिए? ट्रॉली के लिए और इसके लिए. ठीक हुई. तो फ्रिक्शन देखते हैं कितना लगा. फ्रिक्शन कितना लगा? देखो बेटा, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन. एन किसका? ट्रॉली का. फ्रिक्शन आप ट्रॉली की देख रहे हो तो एन भी ट्रॉली का होगा ना. म्यू कितना? 0.04. और एन कितना बेटा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये आपके पास आ गया फ्रिक्शन. इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर ये 0 मैं यहाँ ले जाऊं तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, हाँ या ना बोलो? ये कितना बन गया बेटे? 9.8. कितना? 19.6 बन गया ना. 19.6 को 4 से गुणा करो, 24, 2, 36 और 2, 38, 3, 7, 78.4.
एक दशमलव यहाँ तो ये आ गया बेटे 7.84 न्यूटन, कितना आ गया? तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है और इस पर टेंशन कितना लग रहा है? 8 × 3 = 24, 2 × 27 = 2, पहले मैंने 28.4 बोल दिया था क्या, 29.4 इसके ऊपर लग रहा है टेंशन, तो ये 29.4 न्यूटन का टेंशन हो गया बेटा। तो इस ट्रॉली को 29.4 न्यूटन इधर खींच रहा है और 7.84 न्यूटन पीछे की तरफ, इसका मतलब बॉडी किधर जाएगी बेटा? इधर जाएगी। नेट फोर्स कितना हो गया ट्रॉली पर? नेट 29.4 - 7.84 ये आ गया, 29.4 में से 7.84 घटाना है, 10 में 4 गई 6, 13 में से 8 गई 5, 8 में 7 गई 1, 21.56 न्यूटन का फोर्स आ गया। फोर्स कितना आता है बेटे? मास इनटू बराबर 21.5, तो एक्सेलरेशन कितना? मास कितना? 20, तो यहां पर आ जाएगा 20। तो बस ये एक पॉइंट कुछ आ गया, कितना आएगा ये? 1.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया 1.78 के आसपास, यही है क्या? हाँ जी, ठीक है कि नहीं है? ठीक नहीं है भाई, इन्होंने जी 10 ले लिया होगा, इन्होंने जी 10 ले लिया इसलिए हमारा आंसर इनसे मैच नहीं कर रहा। दो मिनट, ठीक, इन्होंने जी 10 ले लिया, हमने 9.8 लिया है, ठीक हुई बात? तो ये मैच कर जाएगा आपका। और इन्होंने क्या पूछा था? टेंशन आप पहले निकाल चुके, तो दो चीजें पूछी थी इन्होंने, टेंशन और एक्सेलरेशन, वो दोनों भरे आगे। कोई दिक्कत है बेटा? ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? साथ ही में तो न्यूटन्स लॉ पर भी बेस्ड है और साथ ही में यांत्रिकसन, दोनों कांसेप्ट लग गए, फ्रिक्शन भी लग रहा है और न्यूटन्स लॉज भी लग रहे हैं। कोई दिक्कत? ठीक है।